नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 15 जुलाई के दिन साल का सबसे बड़ा सोमवार आषाढ़ नवमी तिथि का दिन है। इस दिन उपाय करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन बना दिव्य महाशुभ संयोग। इस दिन मतलब आषाढ़ सोमवार की रात चुपचाप एक मुट्ठी नमक फेंक दें, गरीबी हो जाएगी खत्म। एक महीने में धन दौलत बढ़ती चली जाएगी, आपके जीवन में दूर हो जाएंगे दुख और सुख, आपके कदमों में आ जाएंगे और आप एक महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। यदि आप मात्र एक मुट्ठी नमक चुपचाप यहां फेंक देते हैं, 15 जुलाई सोमवार के दिन आपको मालामाल से करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपकी सफलता को देखकर जलता हो तो वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस उपाय को करने से, दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जिसे यदि आप जून सोमवार के दिन तो दोस्तों समझ लें, आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। जीवन के दर्द संकट है और आप एक महीने में करोड़पति मालामाल बन जाओगे तो दोस्तों अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो आपको जरूर ही मालामाल बना देगी। आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतु इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करें सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, और सच्चे दिल से कॉमेंट्स बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिख देना, जिससे माता कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे तो यकीन मानिए आपके घर में माता दुर्गा दौड़ी चली आ जाएगी। आपके घर में माता दुर्गा का स्थायी रूप से वास जाएगा, 13 दिशाओं धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में मकर क्रांति का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा, पाठ व तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। आपको बता दें कि ये वाली सोमवार के भी उपायों को आप करोगे या दोस्तों? दरअसल इस समय में पड़ने वाली सोमवार पुष्प योग तिथि 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो मानव श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उपज है, उस मानव को संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है खत्म हो जाते हैं, घर परिवार में खुशहाली आती है। दोस्तों, इस दिन मतलब पौष दुर्गा व्रत के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान ना कर सकें तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन कार्य करने चाहिए, तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन के विधि विधान पूजा अर्चना करनी चाहिए, आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है, ज्यादा से ज्यादा हो सके वासुदेवा मंत्र का जाप करना है, भगवान विष्णु जी के मंत्र का ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं, जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप एक महीने में करोड़पति बन जाएंगे। मालामाल हो तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको सोमवार के दिन जरूर करने चाहिए। नमक का प्रयोग हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा नमक में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हम तंत्र में को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं
जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, नमक का प्रयोग कई तंत्र और मंत्र टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र 17 में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाइन, काला नमक डली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि नमक को कभी भी किसी मानव को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती तंत्र शास्त्र के अनुसार, यदि नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है, आप धन से भी बन सकते हैं। दोस्तों, पोछा लगाते समय मिलाएं, नमक दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोछा लगाएं तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का समझा जाता है, इसीलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं, इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 13-5 यदि आप लौंग डाल दें, ऐसा करने से में धन की बरकत होती है और दुर्गा आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाएं। या दोस्तों, यदि हफ्ते में आप एक बार बच्चों को छुट्टी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएं तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही यदि आपके घर में सदैव क्लेश रहता है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में के हालात रहते, घर में सदैव वाद विवाद रहता हो तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेगा, घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही यदि आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का उपाय जरूर करें। यदि कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी यदि आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें। एक हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखिए, धीरे धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का ये महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता दें हैं, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है, फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। यदि इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पे से 3 बार उतारकर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फायदा कम मिलेगा। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संतेर होता है। साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध लें। राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है।
ऐसे में कांच की में नमक भरकर बाथरूम में रख दें। ऐसा करने से वकेतु के अशुभ असरों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है, घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदलें, और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में यदि नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा से शनि मंगल का दुष्ट असर भी नहीं होगा। साथ ही यदि आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें, कांच के गिलास में सेंधा नमक अब 2 लौंग डालकर, जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमेरा या फिर अपने घर के जो किचन वहां पर रख सकते हैं, भिगोने में या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी, और आपको करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और माँ सदैव आपके पर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ यदि आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का यह उपाय करें, या दोस्तों कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है यदि आपके मन ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, नमक डालकर जरूर चाहिए ऐसा करने, विरोधी द्वारा लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ यदि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों यदि आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको ये पानी बदलना है। ध्यान रखिए जो भी आप में नमक घोल कर रखें वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा, आपको धन के लगेंगे दोस्तों। साथ ही साथ धन की देवी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नमक का यह उपाय आप जरूर करें। ये दोस्तों देवी धन की देवी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसी के अंदर रखे नमक केवल पानी में ही नहीं बल्कि हल्की हवा में भी घुल जाता है। ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है तो आप में नमक दें। या दोस्तों लाल कपड़े में नमक बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। या दोस्तों आपको धन लाभ प्राप्ति के योग्य बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी, किसी न किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को स्टील या लोहे के रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है, यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए, बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मानव नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद और जाते हैं, दोस्त अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलगाड़ या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है, भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं जिसके कारण भी ही छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। नमक की कदर करें दोस्त और उधार, कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक का आधा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए, इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक सदैव धन खरीदना चाहिए, इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा। यदि आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनि के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त शास्त्रों के समझा जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है, इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त।
और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। दो बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाएं, परंतु याद रहे नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मानव घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में दुर्गा नहीं माँ दुर्गा वास हो जाता है। माता दुर्गा का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाज़ा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और वो घर में दरवाज़ा उदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय पहले जब किसी का दरवाज़ा बंद होता है तब भला माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी, आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाज़ा अवश्य खोल और साफ सफाई कर ले दोस्त। जादू टोना तंत्र मंत्र बुरी शक्ति बुरी हवा नज़र दोष मात्र, इस उपाय को करने से दो मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये उपाय, थोड़ा सा वाला नमक और थोड़ा सा सात की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें होना चाहिए। एक टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज़ में लपेट कर उसकी नज़र उतारें जिसे नज़र लग गई हो। सर के ऊपर से सात बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे एक मिनट में सारी नज़र उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर बरसों करती चली आ रही है। ये कारगर होता है, इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नज़र से भी टूट जाता है। आप तो है ये उपाय बुरी नज़र को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नज़र ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की, और क्योंकि नज़र लगने से हम कुछ नहीं कर पाते इसीलिए इसका उतरना भी है ज़रूरी। दोस्तों सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा होगी ये उसको अपने सुख लेता है और आप सुबह के एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में कर ही रखें, फिर इसे कर दें। दोस्तों चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। चाय में कर भी नमक कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे मानव नवग्रह शांत हो जाते हैं, शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक अवश्य दान करें। भूल कर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक ना कम ना ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। अच्छा समझा जाता है। आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंसान के शरीर में 70% पानी होता है, एवं बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की नेगेटिव जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। परंतु आपके सादा पानी आता है उसका प्रयोग करना यदि आपने ठीक तरीके से सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको चलने जा रहा है, तो आपके कितना ही बड़ा बिगड़ा हुआ काम है, यह आपके घर में कितनी बड़ी नेगेटिव शक्ति है। सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। एक बात रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे उसकी एक क्रिया होती है, क्रिया को आपको तरीके से करना होगा तभी आपको असर दिखना चालू होगा। यदि आपने इस वीडियो की एक भी लाइन में आपने गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का प्रयोग करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी आपको देने जा रहे हैं उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देख पश्चात आपका रुपया का खर्चा नहीं होगा, परंतु आप लाखों रुपए का लाभ पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5-6 मिनट जरूर से लेगी, किंतु विश्वास करिए
इसी वीडियो को देखने के पश्चात आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर हो जाएगा। गरीबी दलिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी। धन आने का चालू हो जाएगा एवं भाग्य का साथ को मिलेगा। सुख समृद्धि आपके घर पे जरूर आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, यदि एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए, वो सब कुछ निछावर कर देगा। एक गिलास पानी के लिए आपको बता दें, एक मनुष्य खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी में या पानी के दूसरे के रूप में वह कुछ भी नहीं चुन सकता है। उस पानी चाहिए ही, वरना वो जी नहीं पाएगा। इसको भी एक अद्भुत समझा गया है। दोस्तों, यदि साइंस की भाषा में हम आपको बताया, पानी लोगों की बातों को समझता है, पानी लोगों की भावनाओं को समझता है। आपने यदि पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया, तो यकीन मानिए, आपको पानी के रूप में जो दूसरे होते हैं, उसको आप अपने में दिनचर्या के काम में ले आएंगे। दोस्तों, पुराने समय में एक बात कहते थे कि उसके घर का पानी हम नहीं पियेंगे, क्योंकि आपको बताए, जो बुरे लोग होते हैं उनके घर का यदि आप पानी पीते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जावान करने लगती हैं। इसीलिए पुराने समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पियेंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना शुरू हो जाएगा। आज भी बहुत से लोग हैं जो बुरे लोग जो हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी नहीं पीते हैं। दोस्त, आपको बता दें, यदि आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सोच को आप बदल सकते हैं केवल पानी से। यदि आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आप एक बात जान लीजिए, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बनता है। बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आप भाग्य से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके धन को हड़पना चाहता है, तभी वो आपका शत्रु बनता है। शत्रु होने की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आप अपने शत्रुओं के बारे में जब भी सोचते होंगे, आपका दिमाग खराब हो जाता होगा, परंतु आज के पश्चात आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़, क्योंकि एक साधारण पानी का प्रयोग करके अपने शत्रु को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे, और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए, यदि आप पानी को पढ़ते हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए, आपका शत्रु घुटने पर आ जाएगा। स्वादिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है, परंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। ये आसान सी क्रिया है। स्वादिष्ठान चक्र का प्रयोग करके आप अपने शत्रु के को बरपश्चात कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी जानकारी, दोस्तों, आपका शत्रु सदैव यही चाहेगा कि आप बरपश्चात हो जाए, आपके जीवन सुख समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वो किसी ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में रात दिन सोचता होगा। परंतु स्वादिष्ठान चक्र का प्रयोग करते हुए आप अपने शत्रु को बरपश्चात कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, स्वादिष्ठान चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। परंतु बदले में यदि कोई व्यक्ति उस सच्चे मनुष्य का नुकसान करना चाहता है, तो स्वादिष्ठान चक्र उस व्यक्ति का नुकसान देता है जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच नेगेटिव है। चक्र का प्रयोग कैसे करना है, चलिए आपको ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। परंतु उससे पहले, आप यदि चाहते हैं कि शिव भगवान आशीर्वाद मिले, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें। अब आपका समय नष्ट ना करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें, स्वादिष्ठान चक्र का यदि आपको उपाय करना है और आप चाहते हैं कि आपका शत्रु बरपश्चात हो जाए, तो आपको एक गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा, ये चेतावनी है, वरना स्वादिष्ठान चक्र का जो प्रकोप होगा वो आप पर भी आ सकता है। यदि आपके पास तांबे का गिलास नहीं है और आप मिट्टी की गिलास ले सकते हैं,
तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस गिलास को लेना है, इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है, इसमें अपने को देखना है। ध्यान रखिएगा, जब स्वादिष्ट चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पांव जमीन पर खड़े हो, मतलब धरती से आपका पांव छूना चाहिए, धरती से आपका पांव कनेक्ट होना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र आधे घंटे तक स्मरण करना होगा। बोलना ये प्रक्रिया केवल आपको 7 दिन करनी है, सुबह और शाम, सुबह 7 बजे से पहले, शाम को 7 बजे के पश्चात। ये क्रिया यदि आपने कर ली, आधे घंटे तक आपको करना है, ये 7 दिन तक आप यकीन मानिए, जो आपका वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। यदि वो आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा, उसकी बर्बादी चालू हो जाएगी। आपको बता दें, आपका आपके बारे में सोच सोच के घबराना चालू हो जाएगा, वो आपको जब भी देखेगा अपना रास्ता बदल लेगा। स्वाधिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से शत्रुओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा गया है। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तांबे के लोटे और मिट्टी का जो भी होता है, उसी में आप लोग इस ध्यान लगाइएगा। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने शत्रु को पूरी तरह से बरपश्चात कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र का प्रयोग करके हमने नेक आदमी का जीवन बरपश्चात कर सकते हैं। तो आपको बता दें, स्वाधिष्ठान चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक मानव को बरपश्चात करें। स्वादिष्ट चक्र केवल बना हुआ है शत्रु की बर्बादी के लिए, नेगेटिव ताकतों को रोकने के लिए। इसलिए यदि आप लोग चक्र का इसलिए प्रयोग करना रहे होंगे, यदि आपके पास स्वाधिष्ठान चक्र नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इसे खरीद सकते हैं। एक भले इंसान का जीवन स्वाधिष्ठान चक्र कभी भी बरपश्चात नहीं करता, परंतु यदि कोई भी इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको बरपश्चात करना चाहता होगा, तो स्वाधिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर देगा। दोस्तों, अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि यदि आप लोग कर्जे से परेशान चल रहे हैं, आपके घर में पैसे आने बंद हो गया है, आप लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, कैसे आप अपने आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप करना होगा, जिसके बारे में अब आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, गरीबी से, दलिद्रता से आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे आने बंद हो गया है, तो इसके लिए जो मंत्र का जाप करना होगा वो होता है बीज मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन में चुंबक की तरह को हुए देखेंगे। आप अपने जीवन से दलिद्रता, गरीबी को जाते हुए देखेंगे, भगवान भोले माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आते हुए देखेंगे। आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। जैसा हमने आपको पहले वाले मंत्रों में बता ही दिया था कि जो भी पहली क्रिया थी, उस क्रिया के अंतर्गत आपको पहले 7 बजे से उन मंत्रों का जाप करना था, परंतु इस मंत्र में सब कुछ उल्टा है। इसमें 7 बजे के पहले ना 7 बजे के पश्चात का जाप करना है। श्रीमिज मंत्र जो होता है, इसका जाप करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके की अपनानी होगी। मतलब जितनी बार आप पानी पियेंगे, उतनी बार आपको श्री नबी इसका जाप करना होगा, वो भी 2 मिनट आपको करना होगा। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बार हम कैसे इसका जाप कर सकते हैं, इसलिए हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं, और शरीन बीज का कैसे होता है वो बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और कतई भी स्किप या मिस ना कीजिएगा। आपको बता दें, मंत्र जो होता है वह ऐसा मंत्र होता है जो सीधे सीधे बाबा भोलेनाथ के लिए आप लोग जपते हैं, और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है, माता लक्ष्मी का भी इसमें आशीर्वाद आपको मिलता है, इसीलिए धन के रास्ते खुल जाते हैं। श्री मिस मात्र, यदि आप पानी पीते वक्त हर बार नहीं बोल सकते, तो आपको इसके एक अलग विकल्प, जिसके लिए आपको लाल गुलाब, ये होगा, इस लाल गुलाब को आप किसी भी एक गिलास के बोतल में डाल दीजिए, मतलब एक गिलास के पानी में डाल दीजिए, और अपने हाथ में पकड़ के बिना चप्पलों के आपको आधे घंटे तक का जाप करना होगा। अब आपको करना ये है, किसी एक बड़ी बोतल में या किसी एक जग में पानी भर लीजिए, और उसी में ये जो आपने वाला पानी तैयार किया है, इसको पलट लीजिए। इसको पलट और पूरे दिन इस पानी का प्रयोग कीजिए। इसी को आप लोग रहिए। दोस्तों, आपको बता दें, जब आपने पानी के साथ श्रीमी इसका जाप किया था,
उस पानी के अंदर अभिमंत्रित मंत्र हो गया था, मतलब वह पानी जो है अभिमंत्रित हो गया था। अब इस अभिमंत्रित पानी को जब आपने जब बॉटल में पलटा तो यह अभिमंत्रित पानी उस पानी को अपने अंतर्गत मिला लेता और अभिमंत्रित कर देता था। अब आपको जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, हमारे शरीर 70% पानी होता है और जब इस पानी का करते हैं आपके शरीर में यह जाता है, यह आपका पानी जो शरीर में जा रहा है यह आपके शरीर को अभिमंत्रित कर देता है और इससे आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, आपके शरीर में आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिले। बाबा भोलेनाथ का जहां आपको एक तरफ आशीर्वाद मिलेगा, वहीं पे माता लक्ष्मी आपके लिए धन के दरवाजे खोल देंगी। सरल भाषा में आपको बताएं, आपके जीवन में धन की वृद्धि, भाग्य का साथ, सुख समृद्धि देखने को मिलेगी दोस्त। तो ये जो जानकारी हमने आपको दी है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। हिंदू पुराण के हिसाब से ये जानकारी एकदम स्पष्ट जानकारी है, साफ जानकारी है और ऐसी जानकारी है जो आप जीवन को बदल के रख सकती है। आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था, एक रुपया का आपका खर्चा नहीं है सर। इस मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपका परिवार में हो सकता है आर्थिक समस्याओं, कर्ज से परेशान है, तो हर बुधवार को गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के प्रशस्त होते हैं।